अस्सलामुअलैकुम तमाम लोगों को, दोस्तों को। आज हम आपको उर्दू ज़बान प्रोग्राम के, जो उर्दू ज़बान पर मुश्तमिल प्रोग्राम्स होते हैं, उनके निकात की जगह यानी रवाक़े गदीर, इसका विज़िट करवाएंगे। ये मंज़र कशी जो इमाम रज़ा निशापुर पहुँचे, जबकि जी बिल्कुल, ये हमारी रहनुमाई के लिए पाकिस्तान से, माशाल्लाह ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान का। माशाल्लाह जो ज़ायरीन हैं उनके रहनुमाई के लिए शहजाद भाई, याकूब भाई और अली भाई और जी लजीज़ मौलाना मुजाहिद हुसैन नकवी, जिनकी कमी अभी मुझे महसूस हो रही है बहुत। आजकल वो पाकिस्तान में हैं रमज़ान की जो तबलीग के लिए, रमज़ान के हवाले से पाकिस्तानियों को मुस्तफीद करने के लिए वो इन दिनों में पाकिस्तान में हैं। शुक्रिया। अच्छा रिदा का नाम आया था लेकिन रिदा पेंटिंग कर रही थी तो रिदा ने देखा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। कल मेरा नाम आएगा इंशाल्लाह। रिदा देखो अली भाई खुद दे रहे हैं आपको नाम, रिदा जहरा को, रिदा जहरा को, हाँ इसकी रिदा जहरा की, रिदा जहरा देखो मौला की खुदाम के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई इसमें ये फूल मिले हैं अफीन को जो गिफ्ट मिला है हरम का, ये मौला रजा अलैहि सलाम का नमक है, नमक मिला है, ये एक कार्ड मिला है मौला इमाम रजा अलैहि सलाम, इमाम रजा अलैहि सलाम से मनसूब कोई रस्म अल हाज। हमारा दूसरा दिन है आज और हम लोग कहा है काबे जवाद से अंदर इंटर हो रहे हैं। सब तबरुकात हरम से जो रिलेटेड है वो यहाँ मिल जाता है आराम से। रिदा शुबैर जानो जानो तो ईशा है हीरो तेला मोशे दोखो मददिया सुन सो خدا امام رضایی میکنه عطر زنی هست دوباره کربلایی میکنه زامن آهو آقام 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 زامن آهو। कल बहुत तेज बारिश हुई थी, पूरा दिन कल बारिश रही है और आज माशाल्लाह सब माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को, दोस्तों को। आज हम आपको उर्दू ज़बान प्रोग्राम के, जो उर्दू ज़बान पर मुश्तमिल प्रोग्राम्स होते हैं, उनके निकात की जगह यानी रवाक़े गदीर, इसका विज़िट करवाएंगे। ये रवाक़े गदीर हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में एक रवाक़ है, यहाँ पे 32 रवाक़ हैं जिनमें से
उन रवाकों में से एक रवाक पाकिस्तानियों के लिए, यानी उर्दू ज़बान बोलने वाले जिनमें इंडिया पाकिस्तान जो जो उर्दू बोलते हैं और समझते हैं उनके लिए मख़्तस किया गया है। इस रवाक में दो टाइम जो है वो अपने नमाज का इनेकाद होता है जमात के साथ, ज़ोहरैन की नमाज और मगरबैन की नमाज, ये दोनों नमाजें यहाँ पर इनेकाद की जाती हैं बाजमात। अभी जमात का टाइम नहीं हुआ है इसलिए लोग जमा होना शुरू हो गए हैं और फिर नमाज जो है वो शुरू होगी। इसके अलावा यहाँ पे पीछे लेडीज़ की बैठने की जगह है और यहाँ फ्रंट पे जेंट्स हज़रात बैठते हैं। नमाज होती है मगरबैन की नमाज के बाद यहाँ पे कुरान दाजी होती है और उस कुरान दाजी में जो है वो तमाम लोगों को उन मुख्तलिफ किस्म के हदीये तोहफे नज़र किए जाते हैं। रवाक़ी गदीर में सुबह के टाइम यहाँ से शहजाद भाई की निगरानी में म्यूज़ियम का टूर भी करवाया जाता है। अच्छा जी, ये है एक है रहलायत और यादव खुदश रो दौरत इंजा औशदी। यहाँ पर एक मैप लगा हुआ है। जुज बुजुर्गन कस नदारत मनसब जारू जदन इम्तिहानी कुन ببین اینجا چه حظی میدهد یا علی گفتن یه امام رضا کی مشهور حدیث است بر زانو زدن یه منظر کشی امام رضا شاپور پوچھے جب کی به هوای سلطان سهرم هیرونه سهرم ساتھیوں میں نے آپ کو بتایا یہاں پر پاکستانی زائرین کی رہنمائی کے لیے یہ ہمارے دو نمائندگان موجود ہیں۔ بنا لو کوئی وہ شروع نہیں ویڈیو بنا سکتے ہو یعقوب بھائی؟ جی بالکل، یہ ہماری رہنمائی کے لیے پاکستان سے ماشاء اللہ، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا فخر ہے پاکستان کا۔ ماشاء اللہ جو زائرین ہیں ان کے رہنمائی کے لیے شہزاد بھائی، یعقوب بھائی اور علی بھائی اور مولانا خالق حسین یہ ہمارے رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور ایک ہمارے بہت ہی دل عزیز مولانا مجاہد حسین نقوی جن کی کمی ابھی مجھے محسوس ہو رہی ہے، بہت میرے بہت ہی شفیق بزرگ، ایک بہت اچھے والد کی طرح سے جو ہمیں یہاں پہ پردیس میں کمی محسوس نہیں ہونے دیتے، وہ ہمارے شفیق والد کی طرح یہاں پہ ہوتے ہیں۔ آج کل وہ پاکستان میں ہیں، رمضان کی جو تبلیغ کے لیے، رمضان کے حوالے سے پاکستانیوں کو مستفید کرنے کے لیے وہ ان دنوں میں پاکستان میں ہیں۔ ماشاءاللہ عبادت میں مصروف ردار شبیر، تلاوت یاسین شریف میں مصروف ہیں۔ جی ساتھیوں، آپ کو میں نے تقریباً بہت ہی تفصیلی، اس وقت میں نے آپ کو رواق غدیر کا ایک بہت ہی جامع جو ہے وہ ٹور کروا دیا ہے۔ انشاءاللہ شام کی رونق یا کچھ اور ہوتی ہے، شام میں مغربین کی نماز کے بعد مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بھی مرحومین کے سلسلے میں مجلس کرنا چاہیں تو وہ اپنے مرحومین کی سال کے ثواب کے لیے مجلس بھی کروا سکتے ہیں اور تبرکات تقسیم کرنے کے لیے یہاں خادمین کو ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں کے درمیان، ان کی کچھ نہ کچھ معلومات ہے۔
दे दो इसलिए कोशिश करें अपना ज्यादा से ज्यादा भगवान की शरण में रहना अपने चाहने वालों के लिए कुछ करना लेकिन बहुत कुछ हम जा रहे हैं ये मोहब्बत जवाब मोहब्बत जवाब जवाब फाजीन वाली बच्चों कुछ जवाब سید رضا مقاص حقیقت سید اجلال حضر ہندوستان کے ویر انجم زہرا خرچ سے انجم زہرا شمی درخی رہے گا شمشان صاحب اینو شکریہ شمشان وائف حب صاحب اینو رمپو سے محمد حنیف मम्मा का है मम्मा का ही लिखा कह की बात हुई ना जान अच्छा रिदा का नाम आया था लेकिन रिदा पेंटिंग कर रही थी तो रिदा ने देखा नहीं देखा नहीं सुना नहीं कल मेरा नाम आएगा इंशाल्लाह अभी आप थैंक यू बोलना भी अली भाई को अभी आपको देंगे तो थैंक यू बोलना ठीक है ये देखो ये देखो रिदा रिदा देखो अली भाई खुद दे रहे हैं आपको नाम रिदा जहरा को हाँ इसकी रिदा जहरा की रिदा जहरा देखो मौला की खुदाम के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह مولانا رضا کبھی تھینک یو کہنا بھی مولانا رضا نے دیا آپ کو کتنی ساری چیزیں ملی رضا کو بھائی اس میں یہ پھول ملے ہیں افشین کو جو گفٹ ملا ہے حرم کا یہ مولانا رضا علیہ السلام کا نمک ہے नमक मिला है ये एक कार्ड मिला है मौला इमाम रजा अलैहिस्सलाम इमाम रजा अलैहिस्सलाम से मनसूब कोई रस्म और हाज में लिखी गई कुरानी आयत कूफी रस्म और हाज में लिखी गई कुरानी आयत ये मौला रजा अलैहिस्सलाम का कार्ड है इतना खूबसूरत कार्ड है देखें एक ये मिला है ये लिखा हुआ है इनका नाम अफसाना कुछ रिजवी ये और एक किताब है इसका नाम है नंबर 30 इल्मी सकाफती और समाजी समाई मोहल्ला रजबुल मुस्लिम चौहान की किताब है ये पढ़ेंगे आराम से हम तो यहाँ बैठे हुए तो किस किस्म की किताब है ये किताब मिली है गिफ्ट में और माशाल्लाह मौला रजा अलैहि सलाम का एक कार्ड अच्छा कार्ड इन्होंने अब देना ख़त्म कर दिया है ऐसे ना तो कार्ड अब ये इस तरह से मिलता है तो मेरी कोशिश है इंशाल्लाह मैं कल जो है 50 कार्ड अबू के नाम के वहाँ बांट दूंगा आराम करना इंशाल्लाह और पानी थैंक यू रिदा अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक आती रहें अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़